हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चंस की, जहां से कि आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपका एक लगभग क्यूज की तरह है, आपका डेली जीके टेस्ट इसे हम कर सकते हैं। इसमें आपको जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुल 11 क्वेश्चंस है। आपको ये एक क्यूज की तरह होगी, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समय करना है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को बनाने के लिए यानी कि इसके आंसर्स देने के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड्स का वक्त। आपको इन 5 सेकंड्स में इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कोशिश करो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही दो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने 11 में से 7 आंसर्स भी करेक्ट किए हैं तो आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स माने जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ब्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम या महात्मा गांधी। तो आपको जैसा कि हमने पहले ही बोल दिया कि आपको आंसर्स के लिए मिलेगा 5 सेकंड्स का वक्त, तो आपका वो 5 सेकंड शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो हमारे कौन थे। तो इन्हें हम जानते हैं ए ओ ह्यूम के नाम से। ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ये वाली आपकी आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय जो संविधान है उसके किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें सिटीजनशिप यानी हम कह सकते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के नागरिकता जो संबंधी प्रावधान है वो दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 5 से 11 में। तो आपका आंसर हो जाएगा यही आपका अनुच्छेद 5 से 11। तो आपको ये जो 2 क्वेश्चन है इसके साथ साथ आपके आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसी तरीके के डेली क्यूज के लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? क्या राज्यसभा में जो मनोनीत होता है व्यक्ति वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? आपके ऑप्शन में है हाँ, नहीं, या यदि वो पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो, या कुछ प्रतिबंधों के साथ। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, राज्यसभा में जो मनोनीत व्यक्ति होते हैं वो मंत्री परिषद का सदस्य बन सकते हैं। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाँ, आपको दिख रहा होगा येलो से हमने इसे हाईलाइट कर दिया है, आपका वही आपका आंसर चला जाएगा हाँ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें उनके पद की गोपनीयता जो होती है उसकी शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाता है, या लोकसभा का अध्यक्ष दिलाता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो इसके लिए भी आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपको उन 5 सेकंड्स में इसके आंसर हमें बताने, अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका समय शुरू हो रहा है। तो 5 सेकंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्यों की को पद की गोपनीयता की शपथ दिलानी रहती है वो हमारे दिलाते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति।
आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। विधानसभा का सदस्य, आपको पता है कि मंत्री पद के लिए विधानसभा का सदस्य होता है, बट कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री पद पर आसीन रहना चाहता है तो वो कितने वक्त तक रह सकता है अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं हो तो। आपके ऑप्शन है 3 माह तक रह सकता है, 6 माह तक, 1 वर्ष तक यानी या फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विधानसभा का जो सदस्य रहे बिना है, कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वो कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो वो बस 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है। कोई जो हमारा अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो मुद्रा यानी कि करेंसी का जो मूल्य और कीमत होता है उसके बीच के जो संबंध होती है वो क्या होती है, तो उसे हम कहते हैं अनुलोम, प्रतिलोम या समानुपातिक होता है या अस्थिर होता है। यानी एक दूसरे के बीच इनका संबंध क्या होता है, ये एक दूसरे के अनुलोम होते हैं या प्रतिलोम होते हैं या समानुपातिक होते हैं या अस्थिर होते हैं। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है वो जो होता है मुद्रा और कीमत जो होते हैं एक दूसरे के प्रति लोम होते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे क्या हो जाएगा तो प्रति लोम हो जाएगा। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7, कह रहे भारत में हीरे की खानें कहाँ है। सबसे ज़्यादा जो हीरे की खान है भारत में वो एग्जैक्टली कहाँ है, कौन से राज्य में है, तो कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या तमिलनाडु में है। इसके आंसर्स के लिए भी आपको समय शुरू हो रहा है अब। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आप हमारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ये नहीं सोचो कि 5 सेकंड के बाद तो मैम को बताने ही बताने। अगर आपने गलत आंसर्स भी आपको आप कमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रियल में आपने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखिएगा कि आपने गलत टिक कर रखा था, आपने जो टिक कर रखा था उससे हमारे डिफर आंसर मैम ने बताया था। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत में हीरे की खाने हैं वो हमारी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कई लोगों ने अगर उत्तर प्रदेश लगाया होगा तो उन्हें ध्यान में रह जाएगा कि मैम ने बताया था मध्य प्रदेश, हमने लगाया था उत्तर प्रदेश। तो ये सारे आपको यहाँ से फ़ायदा होगी, इस कारण हम आपको बोलते हैं आप हमें आंसर्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। और अगर आपने जैसा कि हमने बोला 11 में से 7 क्वेश्चन के भी आंसर सही किए तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप इसे एक टेस्ट की तरह लो। आपको आप ये देखो कि हमारे 11 क्वेश्चंस थे उसमें हमें टेस्ट देने थे, हमने कितने करेक्ट किए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का जो धरातल होता है उसके कितने परसेंट पार्ट पर हमारा महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। आपके ऑप्शन है 25.5, 29.2, 35.6 या 40.7। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के जो धरातल होते हैं उसके हमारे कितने परसेंट भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो 29.2 पार्ट्स पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, करा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। आपके ऑप्शन है 1875, 1960, 1965 या 1975। आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत होता है वो हमारे किस वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो 1960 में, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल है, आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, नेपाल या भूटान। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो है हमारा नेपाल में, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे बड़ी है, सॉरी निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपके ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, काकेशस या अलास्का। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पर्वत श्रृंखला की बात करें जो कि विश्व में सबसे बड़ी है, तो वो है हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस क्यूज में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही और भी क्यूज आपको इस चैनल पे डेली मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, या आपने इंजॉय किया या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।